हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एम जी ओ वी लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। इसकी पूरी प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने काफ़ी सारे वीडियो देख के थक चुके हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो में मुझे आशा है कि आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ। भारत के राष्ट्रपति, जिसके हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत का पहला नागरिक है और पूरे स्टेट का मालिक, यानी पूरे भारत का मालिक भी बोला जाता है उसे, ठीक है। ये 5 सालों के लिए चुना जाता है और ये काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा या दो बार, ये अनलिमिटेड टाइम तक भारत के राष्ट्रपति रह सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार होता है, भारत में अनलिमिटेड टाइम हो सकते हैं, 4 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार बनने की उनकी एज है वो बन सकते हैं। 35 साल मिनिमम एज होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अब हम जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ये इनडायरेक्टली होता है, यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, उसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज में MPs और MLAs, इन सभी की जो समूह होते हैं, इन सभी को हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी विधान परिषद जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाइली जो इलेक्टेड मेंबर है वही सिर्फ प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कैसे होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप और स्टेज बाय स्टेज बताऊंगा। सबसे पहला स्टेज होता है कि वैल्यू निकालते हैं सभी MLAs की, वोट की कितनी वैल्यू है, ठीक है। वोट वैल्यू निकालते हैं। वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई उस स्टेट में कितने मेंबर ऑफ असेंबली है, यानी मेंबर ऑफ असेंबली का मतलब कितने विधायक है उस स्टेट में, ठीक है। और स्टेट के अंदर मैं बता दूं, यूनियन टेरिटरीज दो है, पौंडीचेरी और दिल्ली, ये दोनों के स्टेट असेंबली है वो भी काउंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। मान लो मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ, बिहार में 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर 243 विधायक है, यानी MLA की सीट है, तो मैं 10 करोड़ को 243 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, तो मेरे पास जो वोट वैल्यू है पर MLA की आ जाएगी, यानी एक MLA की वोट वैल्यू 411.52 आएगा आपका, ये काउंट करके आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मुझे 243 MLA है उस स्टेट के अंदर, तो मेरे और सभी MLA की वोट वैल्यू कितनी हो जाएगी उस स्टेट के अंदर, 243 × 411.52, ठीक है। तो ये टोटल आपको हो जाएगा 1 लाख के समथिंग होगा, ठीक है, ये आप काउंट कर लेना, ठीक है। उसी तरीके से हम अलग अलग स्टेट का भी निकाल सकते हैं, जैसे MP का निकालेंगे, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय वहाँ असेंबली की कितनी सीट्स हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो पर MLA निकलेगा, और कितनी सीट है वहाँ पे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी MP में कितनी वोट वैल्यू होगी MLA की वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से टोटल भारत में जितने भी स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरेटरीज यानी दिल्ली और पौंडीचेरी, इन सभी को इंक्लूड करके वोट वैल्यू निकाल लेंगे सारे MLAs की। मान लो अप्रोक्स मैंने ले लिया 10 लाख होंगे पूरे भारत के MLA की वोट वैल्यू, ठीक है, ये आपको निकाल लेना है। मैं साइड में दे दूंगा किस तरीके से निकालना है वो। अब हमें सेकेंड स्टेज में जाना है, यहाँ पे हम निकालेंगे वोट वैल्यू ऑफ MPs, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंक्लूड होंगे। ये कैसे निकालेंगे, इसके निकालने का फॉर्मूला है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेट MLAs, ठीक है, जितने भी स्टेट के MLAs हैं उसके वोट वैल्यू, यानी मैंने मान लिया 10 लाख मान लिया था, और डिवाइडेड बाई टोटल मेंबर ऑफ MP, यानी टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो टोटल है वो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं लोकसभा के अंदर 545 टोटल वोट है, उसमें से 2 नॉमिनेट होते हैं तो उसको हटा दो तो 543, ठीक है, प्लस जो राज्यसभा है उसके अंदर 250 सीटें हैं जिसमें से 12 नॉमिनेट होते हैं तो 238 बचते हैं, तो इन सभी को ऐड करोगे तो 781 आएगा, ठीक है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 781, अब इसको आप करोगे तो आपको पर MP की वोट वैल्यू आ जाएगी। वोट वैल्यू कितनी होगी आपकी, होगी 1280.40, ठीक है, 1280.40। अब इसको टोटल जो MPs की वोट वैल्यू कितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 781 से, ये पर वैल्यू थी, वोट वैल्यू थी 1280.40, अब सभी MPs की वोट वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 781 से, तो आपके पास आ जाएगा MP की वोट वैल्यूज, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू आ जाएगी। ये भी अप्रोक्स आपके 10 लाख से आएगा, ठीक है, 10 लाख से आएगा। तो आपके पास टोटल वोट वैल्यू कितने होंगे MPs के और MLAs के, टोटल कितने हो गए 20 लाख हो गए। अब वोट वैल्यू आपको कितनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए,
20 लाख डिवाइडेड बाय 2+1 यानी 10 लाख एक वोट चाहिए आपको, ठीक है, 10 लाख एक वोट चाहिए। अब क्या होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भारत में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यानी आपको किसी एक को नहीं देना है, आपको चूज करना है, प्रेफरेंस लगाने हैं। मान लो चार कैंडिडेट खड़े हुए ABCD, ठीक है। अब इसमें से आपने वोट देने के लिए गए, आप MLA हो, आप वोट देने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें से चूज करोगे कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देखना चाहता हूँ, भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरे प्रेफरेंस पे मैं बी को देखना चाहता हूँ, तीसरे प्रेफरेंस पे मैं डी को देखना चाहता हूँ, तो और चौथे प्रेफरेंस पे मैं सी को देखना चाहता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रेफरेंस लगाते हो, सभी को प्रेफरेंस देने पड़ते हैं। अगर आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आप नहीं देते हो तो आपकी जो इनवैलिड वोट मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया और सेकंड थर्ड नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस देना जरूरी है, आप किसको प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे स्टेज में और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पे। अगर आपने इसको समझ लिया तो प्रेफरेंस सिस्टम की कैलकुलेशन कैसे होता है इसको समझ जाओगे और आप इजीली समझ पाओगे भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, तो इस वीडियो को एक दफ़ा में नहीं समझ में आया तो दो बार तीन बार जरूर देखें। तो चलिए प्रेफरेंस सिस्टम को समझ लेते हैं कैसे होता है। मान लो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ABCD, ये चार कैंडिडेट हैं, ठीक है। ए कैंडिडेट को 6 लाख वोट मिले 20 लाख में से, और बी कैंडिडेट को 7 लाख वोट मिले 20 लाख में से, और सी कैंडिडेट को 4 लाख मिले और डी कैंडिडेट को 3 लाख वोट मिले। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले 3 लाख। अब ये क्या होंगे, राउंड से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे कम है इसलिए वो राउंड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो डी कैंडिडेट को 3 लाख लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, उसने सेकेंड प्रेफरेंस भी लगाया होगा, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस भी लगाया होगा, तो हम चलेंगे सेकेंड प्रेफरेंस की कैलकुलेशन में। जो डी के 3 लाख बंदे हैं उन्होंने सेकेंड प्रेफरेंस भी लगाया होगा, तो सेकेंड प्रेफरेंस जो उन्होंने लगाया होगा, तो मान लो ए को उन्होंने 1 लाख लोगों ने ए को सेकेंड प्रेफरेंस लगाया, 1 लाख लोगों ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस लगाया और 1 लाख लोगों ने सी को सेकेंड प्रेफरेंस लगाया। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ए के साथ 1 लाख जुड़ जाएगा, बी के साथ भी 1 लाख जुड़ जाएगा और सी के साथ भी 1 लाख ऐड हो जाएगा। तो ए के साथ टोटल 7 लाख हो जाएंगे और बी के साथ टोटल 8 लाख हो जाएंगे और सी के साथ टोटल 5 लाख हो जाएंगे। अब यहाँ पे तीनों को कंपेयर करो। अब तीनों में क्या है, सी सबसे कम है, सी को जो फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों ने दिया है वो 5 लाख लोगों ने दिया है। तो यहाँ पे इन तीनों को कंपेयर करो, तीनों कैंडिडेट में सी सबसे कम है, तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा और बाहर हो जाएगा राष्ट्रपति की रेस से। अब क्या होगा कि ये जो 5 लाख लोग हैं जो प्रेसिडेंट के रूप में सी को देखना चाहते थे, अब क्या होगा, वो एलिमिनेट हो गए, राष्ट्रपति की रेस से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने थर्ड प्रेफरेंस चूज किया होगा। अब मान लो उसमें से ए को 2 लाख लोगों ने थर्ड प्रेफरेंस चूज किया था और 3 लाख लोगों ने बी को थर्ड प्रेफरेंस चूज किया था। तो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ए के पास ऑलरेडी 7 लाख थे, ठीक है, अब उसके साथ 2 लाख ऐड हो जाएंगे और बी के साथ 8 लाख थे और उसके साथ 3 लाख ऐड हो जाएंगे। तो ए के साथ, ए के पास टोटल वोट कितने मिले, 9 लाख हो गए और बी के पास टोटल वोट कितने आ गए, 11 लाख। तो ऐसे इस दोनों के, इन दोनों में आप कंपेयर होगा। अब इन दोनों में कंपेयर होने के बाद जिसकी ज़्यादा वोट होगी वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो बी के पास सबसे ज़्यादा वोट है 11 लाख, तो यहाँ पे ये भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में ही जो जिसके पास, ए के पास 6 लाख वोट है, बी के पास 7 लाख वोट है और सी के पास 4 लाख वोट है और डी के पास 3 लाख वोट है, तो डी, सी और ए तीनों बाहर हो गए रेस से और जो बी है वो भारत के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 3-4 स्टेज में कैलकुलेशन होते हैं, जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा प्रेफरेंस के हिसाब से और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो आई होप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपको क्लियर हो गया होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊं, इसलिए जल्दी जल्दी बोलता हूं और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो 1 से 2 बार इसी वीडियो को बार बार देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। एक दफ़ों में नहीं समझ में आता है क्योंकि ये थोड़ा उल्टा कैलकुलेशन है, तो एक दो बार देखो आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।